दोस्तों, अद्भुत, आश्चर्यजनक किंतु सत्य की पुस्तक से आज जिनके जीवन के घटनाक्रम को मैं आप सभी को सुनाने वाली हूँ, उनका नाम है चंद्रमणि शुक्ला, जो उत्तराखंड के हरिद्वार में स्थित देव संस्कृति विश्वविद्यालय में कार्यकर्ता के रूप में कार्यरत है। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आगे के वीडियोस भी आपको हमेशा ऐसे ही मिलती रहे। दोस्तों, शुक्ला जी बताते हैं कि यह घटना तुलसीपुर पुरानी बाजार जिला बलरामपुर उत्तर प्रदेश की है। श्री घनश्याम वर्मा दो भाई थे। बड़े भाई सीताराम जी थे, जिनके बच्चे नहीं थे। घनश्याम वर्मा जी के चार बच्चे संतोष, अशोक, रवि टिंकू एवं एक बच्ची थी। सीताराम जी के बच्चे न होने के कारण संपत्ति को लेकर भारी विवाद था। परिवार के अलावा अन्य लोग भी उनकी संपत्ति को हड़पना चाहते थे। दोनों परिवार में बंटवारा था, अलग बनाते खाते थे। मेरा इस परिवार से परिचय कुछ ही दिन पहले हुआ था। वर्मा जी के यहाँ बच्चे का जन्मदिवस संस्कार था। यज्ञ के माध्यम से संस्कार संपन्न हुआ। संस्कार के माध्यम से मैंने गुरुदेव एवं मिशन की जानकारी दी। उस समय मथुरा से एक ग्रंथ प्रकाशित हुआ था, ऋषि चिंतन के सानिध्य में। इस ग्रंथ की स्थापना घर घर में कराई जा रही थी। मैंने इस ग्रंथ का एक पृष्ठ पढ़कर सुनाया, जिससे प्रभावित होकर उन्होंने भी अपने घर में ग्रंथ को स्थापित किया। इसके बाद नियमित उपासना एवं ऋषि चिंतन के सानिध्य में ग्रंथ का नियमित स्वाध्याय का क्रम चल पड़ा। घटना 2003 से 2004 की है। सीताराम जी किसी कार्यवश बाहर गए हुए थे। जाने का प्रयोजन किसी को मालूम नहीं था। वे कब जाते, कब आते, इस विषय में भाई के परिवार में किसी को भी कुछ भी मालूम नहीं रहता था, क्योंकि दोनों परिवार के निकास द्वार अलग-अलग दिशा में थे। एक दिन पड़ोस के एक व्यक्ति घनश्याम जी से सीताराम जी के बारे में पूछा कि कहाँ है, तो घनश्याम जी ने अनभिज्ञता जताई। पड़ोस के व्यक्ति ने कहा कि कई दिन से दिखाई नहीं पड़ रहे हैं और घर में ताला भी नहीं लगा है। लोगों ने घर के आसपास जाकर देखा, घर से अजीब सी दुर्गंध आ रही थी। उन्होंने घनश्याम वर्मा के घर में यह बात बताई। घनश्याम वर्मा जी का बड़ा लड़का अन्य कुछ व्यक्तियों के साथ घर घर में घुस गया। घर में सभी जगह देखा तो कुछ नहीं मिला, जिससे दुर्गंध का कारण मालूम हो सके। काफी देर बाद देखा कि बाथरूम के दरवाजे में ताला लगा था। ताला तोड़कर देखा तो सीताराम जी की लाश पड़ी थी। कई दिनों से पड़े रहने के कारण लाश से दुर्गंध आ रही थी। तुरंत ही पुलिस स्टेशन को सूचित किया गया। यह घटना हवा की तरह चारों तरफ फैल चुकी थी। काफी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। पुलिस आई, सभी लोगों के सामने लाश को बाहर निकाला गया। लाश को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उसके बाद पुलिस छानबीन करने लगी। घटना के 2-3 दिन बाद पुलिस आई और घनश्याम वर्मा जी के दो पुत्रों संतोष और अशोक को पकड़ ले गई। उनके दोनों बच्चे एक एमएससी दूसरा बीएससी कर रहा था, साथ ही वे सिविल परीक्षा की तैयारी भी कर रहे थे। काफी छानबीन हुई। जांच के परिणाम स्वरूप अदालत ने दोनों बच्चों को दोषी मानकर गोंडा भेजा। उसके पश्चात आदर्श कारागार लखनऊ भेज दिया गया। इतनी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद दोनों बच्चों की श्रद्धा कम नहीं हुई, बल्कि उस समय वे स्वाध्याय एवं जप में लगाते, लेख भी लिखते और हमेशा प्रसन्न रहते। इस घटना को ईश्वरीय इच्छा और परीक्षा की घड़ी मानकर वे चलते रहे। कहते हैं कि जो सच्चा आध्यात्मिक होता है, वह सुख दुख से परे होता है।
उसका दुख तपस्या के समान होता है। ऐसा ही कुछ इन बच्चों के साथ हो रहा था। एक दिन जेलर राउंड लगा रहा था। सभी जगह चेक करने के बाद वे संतोष के कमरे में पहुंचे तो देखा एक युवक बहुत शांत भाव में बैठा कुछ अध्ययन कर रहा है। जेलर मन ही मन सोचने लगे कि जेल में कैदी हमेशा परेशान, उद्विग्न और चिंतित रहते हैं। कुछ तो ऐसे विकराल होते हैं कि उनका जीवन कभी सुधरता ही नहीं है। सामान्य कैदियों को भी वे अपने जैसा बना लेते हैं। उसने अपने चिंतन को विराम दिया और अनायास ही संतोष के पास पहुंच गए। जेलर ने पूछा, क्या हाल है? बच्चे ने सहज भाव से उत्तर दिया, सब कुछ गुरुदेव की कृपा से ठीक है। उनकी कृपा से स्वाध्याय एवं ध्यान का अच्छा अवसर मिला है, वही कर रहा हूँ। बच्चे के विश्वास भरे शब्दों को सुनकर जेलर दंग रह गए। सोचा, लोग अपनी परेशानी बताते हैं, मैं उनकी परेशानी दूर करता हूँ, इसे तो कोई परेशानी ही नहीं है। वे सोच में पड़ गए, उत्सुकता बढ़ी। उन्होंने पूछा कि कौन है तुम्हारे गुरुदेव और यह स्वाध्याय और ध्यान कैसा? उस बच्चे ने ऋषि चिंतन के सानिध्य में पुस्तक का हवाला दिया और पुस्तक का एक पृष्ठ पढ़कर सुनाया, किसी परिस्थिति में विचलित ना हो। पृष्ठ संख्या 67। सुनकर जेलर बहुत प्रभावित हुए और उस पुस्तक के लिए अनुरोध किया कि कुछ दिन के लिए मुझे दे दो। बच्चे ने कहा कि यह पुस्तक मेरे गुरुजी ने दी है, इसे नहीं दे सकता, परंतु जब मेरे पिताजी मुझसे मिलने आएंगे तो दूसरी पुस्तक आपके लिए मंगवा दूंगा। इस घटना से जेलर को उन बच्चों से आध्यात्मिक लगाव हो गया। जेलर प्रतिदिन दोनों बच्चों से मिलने आते, हालचाल पूछते और गुरुदेव के चिंतन को सुनकर जाते, जो उस दिन का चिंतन होता। अंततः परिणाम यह हुआ कि जेलर ने स्वयं सिफारिश कर बच्चों को जेल से रिहा करवा दिया। जेलर बच्चों को गुणों से परिचित हो चुके थे, उन्हें विश्वास हो चुका था कि ये बच्चे निर्दोष हैं। बच्चों ने जेलर को गुरुदेव का वह अनुपम ग्रंथ भेंट किया। जेलर ने भी गुरुदेव के साहित्य से प्रभावित होकर गुरु सत्ता से जुड़ने का सुयोग प्राप्त किया। इस प्रकार घनश्याम जी के दोनों बच्चे गुरु कृपा से अपने जीवन को संस्कारित करने के साथ औरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन गए। गुरु कृपा की शक्ति की पहचान बहुत ही सहज ढंग से उनने कई लोगों को करा दी। जय गुरुदेव।